शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। सखी, ओ सखी, मैं यहाँ हूँ। अरे यहाँ बैठी हो तुम? क्यों भाई, ये बेवास का बुलाना क्यों? सुबह से कहाँ थे? यही पूछने के लिए बुलाया था। जी नहीं, और भी कुछ पूछना है। कल पार्टी में अचानक बिजली कैसे बंद हो गई थी? अब ये बात मैं क्या जानू, मैं कोई बिजली वाला हूँ। रूबी दत्त के नौकर के साथ क्या बात की थी? उसे पैसे क्यों दिए थे? वाह सखी वाह, दाद देनी पड़ेगी तुम्हें। तुम्हें तो सीबीआई में होना चाहिए था। क्या रंगे हाथ पकड़ा है सुधीर राय को, और मैं अपने आप को बहुत चंट समझता था। हाँ सखी, ईमान की बात यह है कि बिजली मैंने खुद बंद करवाई थी। क्यों? मैं देखना चाहता था कि रूबी दत्त ने वो चाबुक कहाँ छिपा के रखा है। इधर गोविंदा ने मेन स्विच ऑफ किया, उधर अंधेरा हुआ, उधर अंधेरा हुआ, इधर मैंने रूबी दत्त को अपने हाथों में उठा लिया। वो चिल्लाई नहीं? कोशिश की थी, पर मैंने उसका मुंह बंद कर दिया। कैसे? अब ये पहली बूझो, जब मेरे दोनों हाथ खाली नहीं थे तो उसका मुंह कैसे बंद किया होगा? अरे भाई, मेरा मुंह तो खाली था, मेरे होंठ तो खाली थे, बस मुंह बंद किया, बेडरूम में ले गया, बिस्तर पे पटका और उससे पूछा, आपका वो चाबुक कहाँ है? माफ़ मांगो, माफ़ मांगो। किससे? मुझसे। तुमसे क्यों? मुझे रूबी दत्त समझो, मेरे पांव छू और माफ़ी मांगो। तुम्हें रूबी दत्त समझ के माफी मांगो? हाँ। तब तो तुम्हारे साथ वो गलती भी करनी पड़ेगी जो रूबी दत्त के साथ की थी। तुम इतने नीच हो चुके हो, इतने गिर गए हो। रूबी दत्त तुम्हारे दोस्त की मंगेतर है, दोस्त की होने वाली बीवी के साथ तुम पर कितना भरोसा था, आज तुमने मेरे पांव के नीचे से जमीन खींच ली। चले जाओ, चले जाओ यहां से, आइंदा मेरे सामने कभी ना आना। ठीक है, चला जाता हूं, आइंदा तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा, लेकिन जाने से पहले एक इल्तिजा है, चलो मेरे साथ। कहां? कहाँ ले आया मुझे, ये तो पागलखाना है। कुछ पूछो मत, जो होता है चुपचाप देखो। भैया, हाँ मैं सुधीर। सुधीर, सुधीर, son of that unfortunate school teacher. तेरा नाम सुधीर नहीं होना चाहिए था, तेरा नाम होना चाहिए था अधीर, और मेरा नाम होना चाहिए था कर्तव्य, यानी कथा। फिर वही बात भैया, तुम इतने पढ़े लिखे हो, पढ़ने लिखने से क्या होता है, पढ़ने लिखने से क्या होता है सुधीर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। असल चीज विद्या नहीं है सुधीर, असल चीज है पैसा, पैसा। तभी तो उन्होंने मुझे चाबुक मारा, तभी तो उन्होंने मेरे ऊपर कुत्ता छोड़ दिया, तभी तो रूबी दत्त ने जो कहा वो सब ने मान लिया, मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। मगर सुधीर, तू तो वो बात नहीं मानता ना जो सब मान गए, तुझे तो मुझ पर भरोसा है ना? हाँ भैया। तो तू बदला क्यों नहीं लेता? लूंगा भैया, जरूर बदला लूंगा। हाँ हाँ, एक चाबुक लेके जाना, मारना उसकी पीठ पर जैसे उसने मुझे मारा था। सड़क सड़क सड़क, कितनी जोर से मारा था मुझे। मैं तो रूबी दत्त को इतिहास पढ़ा रहा था,
दूसरे राजाओं को इतिहास बनाता है, पर सम्राट अशोक उन राजाओं में थे जो इतिहास बनाते थे। उनके दरबार में बड़े से बड़े राजा महाराजा हाथ बांधे खड़े रहते थे। सम्राट अशोक की कितनी बीवियां थी? जी मैंने पूछा, सम्राट अशोक की कितनी बीवियां थी? मैंने सुना है राजा के महलों में सैकड़ों रखेले हुआ करती थी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सम्राट अशोक के बारे में। चलिए मत बताइए ना, प्लीज। पत्नी के होते हुए रखेल की क्या जरूरत होती है? उसकी वजह है वासना, यानी हवस, यानी फिजिकल डिजायर। हाँ। सुना है कि प्यास जितनी बुझाओ उतनी बढ़ती है। ठीक सुना है। तो इस न बुझने वाली प्यास का क्या इलाज है? ध्यान हटा देना चाहिए उसकी तरफ से। और जो ध्यान ना हटे तो? देखो रूबी, लगता है कीड़ा घुस गया। जिप खोल दीजिए प्लीज। आप मेरी तरफ देखते क्यों नहीं? क्या मैं अच्छी नहीं लगती? रूबी देखो, ऐसी बात नहीं करती। इतना घमंड किस बात का? सैकड़ों लड़के मेरे पीछे भागते हैं, पागल है मुझ पर मैं उनकी तरफ देखती तक नहीं। और आपकी तरफ देखती हूँ तो आप मुझे अशोक द ग्रेट की बातें सुनाते हैं। टू हेल विद अशोक द ग्रेट। लाइफ इज ग्रेटर अधीर साहब। देखो रूबी, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें एक ये क्या हो रहा है? ये देखिए ना पापा, ये जबरदस्ती मुझे। यू रास्कल, तुम्हारी ये हिम्मत। नहीं जी, मैं पापा, आप ना आते तो न जाने क्या होता। ये क्या कर रही हो तुम? दत्त साहब, मैं तो कमीने, अपनी औकात खुल गया। दत्त साहब, आपने ये तो आज टाइगर चुप। नहीं, 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 नहीं। कौन? सुधीर, तू बदला जरूर लेना, मेरा बदला जरूर लेना। हाँ, बदला लेना सुधीर, जरूर लेना बदला। मुझे माफ कर दो सुधीर। जानती हूं, 15 साल से भैया एक ही कहानी यूं ही मुझे सुनाते चले आ रहे हैं। समझ सकते हो रूबी दत्त ने उन पर कितना जुल्म किया होगा, जो मुझे देखते ही सिर्फ बदले की बात करते हैं। सुधीर, क्या बदला लेने से भैया को 15 साल वापस मिल जाएंगे? ये बदले का ख्याल छोड़ दो। नहीं, कभी नहीं। मेरे दिल की किताब में जान का बदला जान और इज्जत का बदला इज्जत है। किसी ने कभी मुझसे कोई चीज छीनी तो उसे बर्बाद किए बगैर मैं चैन की सांस नहीं लेता। रूबी दत्त मेरे दोस्त की मंगेतर नहीं, मेरे भाई की कातिल है। इसी बात पर अगर आप मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहें तो शौक से तोड़ सकती हैं। चल, घर चल। कविता, ये 40,000 रुपए हैं, इन्हें रख दो। आपको इतने पैसे कहां से मिलते हैं? हमारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि कोई भी मर्द अपनी बीवी के सामने हीरो नहीं है। हमारे नर्सिंग होम का एक भी कमरा खाली नहीं रहता, समझी? 3-3 महीने पहले एडवांस बुकिंग करते हैं लोग। लेकिन आप ये पैसा बैंक में क्यों नहीं डालते? इतना सारा कैश घर में रखने की क्या जरूरत है? मैं भी वही कर रहा हूं जो सब लोग करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। रख दो। रूबी, डार्लिंग, सब ठीक हो गया है।
आज शाम को ठीक 7:30 बजे अपना थोड़ा सा सामान लेकर मेरे घर आ जाना। उसके बाद हम अपनी नई दुनिया बसाने दूर, बहुत दूर चले जाएंगे। लेकिन सुवीरार, याद रखना, ठीक 7:30 बजे। तू तो कह रहा था ऐसा सरप्राइज देगा मुझे कि मेरी जिंदगी का रास्ता ही बदल जाएगा, मुझे तो सिर्फ घड़ी का कांटा ही बदलते दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा इंतजार और कर ले यार। अरे यार, सस्पेंस से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। पर जब ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा मेरी जान, तुम्हारा ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। रियली? बिलाहत? अभी नहीं, अभी चैन से बैठ। अरे यार चैन कहाँ, जब तक शादी नहीं हो जाती यही बेचैनी रहेगी। कितना चाहते हो अपनी रूबी को? अरे चाहत का मतलब तुम क्या समझो जालिम, चाहत वो भी रूबी से। अपने दिल के खून का एक कतरा जमा के अंगूठी पहनाऊंगा शादी के दिन। क्या रूबी भी तुम्हें इतनी चाहती? ये भी कोई पूछने की बात है, वो तो कहती है कि पल भर की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा चल, सरप्राइज के लिए तैयार हो जाओ, वहां छुप जा। आ गई? हाँ डाली, मैं तैयार। बोलो कहाँ ले जाओगे? एक बार फिर सोच लो, आखिरी बार। सारी जिंदगी के लिए मेरे साथ भाग चलने का इरादा तुम्हारा पक्का है ना? कितनी बार मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मेरा वर्तमान, मेरा भविष्य, सब कुछ तुम ही हो। क्या सचमुच तुम हीरालाल से प्यार नहीं करती? ओ सुधीर, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट? एक अध पगले निट विट डल इंसान को कोई प्यार कर सकता है? चलो अब और देर मत करो। तुम्हारे साथ कहीं भी चलने का मेरा कोई इरादा नहीं है मिस रूबी दत्त। सुधीर अब मजाक न करो, वो पगला हमें ढूंढता ढूंढता कहीं यहां ना आ जाए। ए, सुन, एक छोटा सा शुक्रिया अदा तो करता जा। नहीं दोस्त, इस सच्चे प्यार की सच्चाई दिखाने के बाद मैं शुक्रिया कहकर तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता। अब समझ में आया इन सब बातों का मतलब, तुम मेरे साथ खेल रहे थे। तो आपने क्या समझ रखा था, किसी इंसान के दिल के साथ खेलने का हक सिर्फ आपका बनता है क्या? तुम शांति शांति शांति। अच्छा एक बात बताइए, अधीर राय नाम के किसी आदमी को जानती हैं? अधीर राय? हाँ, याद है आपको अधीर राय की? मैं उनका छोटा भाई हूं। जानना चाहती हैं कि अब वो कहां है? एक पागलखाने में। हाँ, पागलखाना। और जानना चाहती हैं कब से? उस दिन से जिस दिन से आपके बाप ने उन्हें चाबुक से मारा और उन पर कुत्ता छोड़ दिया था, उस दिन से वो पागलखाने में। और जब भी मैं उनसे मिलने जाता हूं, जानती हूं मुझे क्या कहते हैं? वो कहते हैं सुधीर, बदला, बदला लेना, उस अपमान का बदला जरूर लेना सुधीर। अच्छा तो तुमने मुझसे बदला लिया? हाँ, बदला। Now will you please go away from here? Please.